औरतों के गुप्त राज, स्त्रियों के राज, जो भी व्यक्ति पहचान लेता है उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है। नंबर एक, साइकोलॉजी के अनुसार औरत के आधे पेट खाकर रहने की पर अपना प्रेम उसको पूरा चाहिए होता है। नंबर दो, चाणक्य कहते हैं जो औरत कभी उधर नहीं रखती, मोहम्मद इज्जत खुशियां शब्द गुण करके लौट आई है। लड़कियां आमतौर पर उसे लड़के के साथ ज्यादा आंखें नहीं मिल सकती, जिससे वह बहुत पसंद करती है। नंबर चार, जब कोई लड़की आपको सच्चा प्यार करते हैं तो वह छोटी छोटी बात को परेशान हो जाती है, यदि आप इसे संभाल नहीं सकते हैं तो ऐसी लड़की खोजे जो आपसे पैसे चाहती हो। रात के 3 बजे कभी ना उठे, जानिए पीछे का रहस्य। आगे जानने से पहले सच के भोलेनाथ जी के भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में रात के 3 बजे उठना आपका कामयाब होने का संकेत है, और रात के 3 बजे के बाद ईश्वर से मांगी हुआ वह वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। आप जब भी शनिदेव को तेल चढ़ाने जाए तो शनिदेव की दाहिने पैर की छोटी वाली उंगली पर तिल तेल चढ़ाना चाहिए। आप इस पर तिल तेल चढ़ाएंगे तो आपको तुरंत तत्काल सफलता मिलेगी, कर्ज से मुक्ति होगी, धन का आगमन होगा, व्यक्ति अपार में सफलता भी मिलेगी। आप लोग शनिदेव हनुमान भक्त हो तो इस शनिवार को जरूर चढ़ाएं तिल और तिलक बेटा। ऐसे करते हो तो मैं आपको धन पैसों की कमी नहीं आने दूंगी, यह मेरा आशीर्वाद है। किन्नर के साथ एक बार जरूर करना यह काम। बुधवार को की नजर नजर आए तो उसे कुछ रुपए जरूर भेंट करें। इसके बाद उसकी नजर से आप एक सिक्का को अपने गले स्थान पर रखें। ऐसा करने से वृद्धि होती है। अगर आप किसी की नजर को वस्त्रों का दान करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उन्हें कभी भूलकर भी पुराने या पहने हुए वस्त्रदान ना करें। यह आपस कौन होता है। ऐसा करने से उनकी दुआएं मिलती है और जीवन में भी सुख समृद्धि का वास होता है। जानकारी अच्छी लगी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार इस करवट में लेट कर भूल से भी नहीं सोना चाहिए। वन उल्टा होकर भोगी सो गए, अर्थात जो लोग उल्टा होकर सोते हैं वह हमेशा विशाल में लगे रहते हैं और ही सपने भी किसी तरह के देखते हैं। दो, सीधा होकर भूत सुबह, अर्थात चीता की तरह तरह जो सिद्ध होता है उसे भूत आदि के डरावने सपने आते हैं। सीधा करवट रहे, अर्थात जो लोग सीधे हाथ की ओर करवट लेकर सोते हैं वे लोग सदा किसी न किसी बीमारी, अर्थात जो लोग उल्टी करवट लेकर सोते हैं वह सदा ही निरोगी रहते हैं। शादी करते समय यह 4 गलतियां कभी ना करें। एक, पुत्र का विवाह करने के बाद 1 साल के अंदर पुत्री का विवाह न करें। दो, जुड़वा भाइयों का विवाह या मुंडन कम एक ही दिन नहीं करना। 3, एक गर्भ से उत्पन्न 2 कन्याओं का विवाह यदि महीने के भीतर हो तो 3 वर्ष के भीतर किसी एक पर संकट आता है। कर, शादी कभी भी वर्ष महीने तिथि या नक्षत्र के खीरी घड़ी में नहीं करनी चाहिए। ऐसी शादी शुभ विदाई नहीं होती है। शादी करते समय यह 4 गलतियां कभी ना करें। एक, पुत्र का विवाह करने के बाद 1 साल के अंदर पुत्री का विवाह न करें। 2, जुड़वा भाइयों का विवाह या मुंडन कम एक ही दिन नहीं करना। 3, एक गर्भ से उत्पन्न 2 कन्याओं का विवाह यदि महीने के भीतर हो तो 3 वर्ष के भीतर किसी एक पर संकट आता है। कर, शादी कभी भी वर्ष महीने तिथि या नक्षत्र के खीरी घड़ी में नहीं करनी चाहिए। ऐसी शादी शुभ विदाई नहीं होती है।